दोस्तों डेयरी फार्मिंग एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें लगन, मेहनत और सही तकनीक के साथ अगर करते हैं तो निश्चित ही सफल होते हैं। ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें लगातार मेहनत के साथ साथ आपको लगे रहना होगा। इसका जो मूल मंत्र है ब्रीडिंग और बेस्ट फीड, ये दो चीज़ पर अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जिस तरह पशुओं का डिमांड है और दूध का डिमांड है, तो दोस्तों हमारा प्रयास रहता है कि बिहार झारखंड में जो भी लोग प्रोग्रेसिव काम कर रहे हैं, डेयरी फार्मिंग में कुछ अच्छा कर रहे हैं, उनको रेगुलर कवर करें, उनके फार्म के अपडेट को दिखाएं, जिससे आपका भी नॉलेज में डेवलपमेंट। खास करके बहुत ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो अपने क्षेत्र के जो मॉडल डेयरी फार्म हैं उसके अपडेट को देखना चाहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत हुआ। आज हम पहुँचे हैं झारखंड के पालाजोरी में, एक ऐसा मॉडल डेयरी फार्म जहां पे 120 पशुओं से पशुपालन कर रहे हैं। लगभग 8 साल से इन्होंने शुरू किया था और आज इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि अच्छे से अच्छी ब्रीड की गाय यहां देखने को मिलेगी। इनसे पूरी जानकारी लेते हैं, इस फार्म का सारा अपडेट लेते हैं। अगर यह हमारा प्रयास अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। तो हम मिलवाते हैं इनसे हमारे चैनल पीके डेयरी टेक्निक में। आपका वीडियो हम लास्ट टाइम बनाए थे, बहुत सारे लोगों का बहुत प्यार मिला, शुभकामना मिली कि इस जगह पे आप इतना अच्छा ब्रीडिंग फार्म स्टार्ट कर चुके हैं और एक मुकाम पे पहुंच गए हैं। कुछ अपने बारे में बताएं जो हमारे नए दर्शक हैं वो आपको जान सकें। मैं ओम प्रकाश सिंह, सनरेज हाई स्कूल पालाजोरी के संचालक, और इसी कैंपस के अंदर हम ये डेयरी का संचालन करते हैं। ये देवघर जिला के पालाजोरी प्रखंड में स्थित है। लगभग 8 वर्षों से ये डेयरी का संचालन हम कर रहे हैं। पहले अनुभव नहीं रहने के कारण ब्रीडिंग के बारे में नहीं समझ सके थे, लेकिन अभी हम ब्रीडिंग पर काम कर रहे हैं और जो मेरी पहली बछिया सब आ रही है वो लगभग वो 25 से 30 केजी के बीच में आ रही है। ये ब्रीडिंग पे आप कब से काम कर रहे हैं? लगभग सर हम 2 साल से ये ब्रीडिंग पर कर रहे हैं। जो गाय हम पहले रखे थे वो भी हमारी गाय सब जो थी वो नस्ल में थी, और उसके बाद हम अपना चुनिंदा जो सीमेन है उसी का हम यूज अपनी गाय पर कर रहे हैं। और अब जो बछिया सब आ रही है मेरी फर्स्ट लैक्टेशन में वो लगभग 25, 30, 32 के आसपास आ रही है। सर आप डेयरी फार्मिंग लगभग 8 साल से कर रहे हैं और ब्रीडिंग पे लगभग 2-2.5 साल से काम कर रहे हैं, तो जो लोग फार्मिंग डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा, जो आपका एक्सपीरियंस अनुभव जो हुआ? इसमें है कि एक तो उन्नत किस्म की बछिया आएगी अपने यहाँ और दूध का उत्पादन बढ़ेगा, और जिसका हमें कोई मालूम ही नहीं है वो किस नस्ल की है तो वो 18-20 में वो गाय अपना लटक जाएगी। इसलिए अधिक उत्पादन के लिए है ना, और बछिया का अच्छा ग्रोथ इत्यादि के लिए आपको नस्ल में काम करना ही होगा, बिना किए उसका कोई उपाय है नहीं। पहले जैसे हम गाय खरीद के लाते थे तो गाय बाहर से आप खरीद के ले तो आए, लेकिन उसको फिर संभालना है ना 2-3-4 महीना तक, और जो आप दूध सोच के आए थे वो दूध का उत्पादन होता नहीं। और अभी वर्तमान समय में अपनी अगर बछिया तैयार होके आती है तो ये स्ट्रेस फ्री रहती है, कोई बड़ बीमारी के आसपास इसके पास आता नहीं है, जिसके वजह से दूध के उत्पादन में वृद्धि होता है। और उस बछिया के बारे में हमको जानकारी रहता है, शुरू से ही उसको पाले हैं कि कैसी है। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट मिल्क वाली गाय अभी कितना तक चले गई है? अभी सर 35-36 लीटर के आसपास यहाँ चले गई जी, घर की बछिया है। अच्छा, यहाँ का जो मौसम है जैसे कि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहता है जी, जी। उसको कैसे मैनेज आप करते हैं? ऐसे तो सर एक तो है कि मेरी गाय लगभग आप देखते होंगे हाँफती नहीं है, तो फोगर सिस्टम रखे हुए हैं, थोड़ा सा खुलापन है। अभी टोटल कितनी गायें हैं आपके पास? अभी सर मिल्किंग में लगभग 40 के आसपास हो गए, 40। अच्छा 40, और कितना दूध हो रहा है? दूध का उत्पादन सर अभी 6 कंटल 10-15 केजी होगा, कारण कुछ दिन पहले हम अपने फार्म से 15 गाय को बेच दिए। नहीं, हमारी घर की बाछी तैयार हो गई और लगभग अभी 35 बाछी तैयार हो रही है घर की। अच्छा, अभी आप जो ब्रीडिंग कर रहे हैं उसमें 35 बाछी सब तैयार हो रही है जी, जी। जो कितने से कितने दिन तक की होगी? लगभग वो लगभग 15 दिन से लगभग 1.5 साल तक। 1.5 साल तक जी, जी। और सबका रिकॉर्ड आपके यहाँ है? जी जी, इन बच्चियों का रिकॉर्ड है। ब्रीडिंग जो कर रहे हैं इसका सीमेन का कैसे क्या व्यवस्था आपने की है? अपना टैंक रखे हुए हैं सर, और उसी में हम अपना सीमेन स्टॉक करके रखते हैं। अच्छा। वर्तमान समय में हम अपनी गायों पर 40 सेकस 40 432, 40 433 और ब्रूट एवीएस ब्रूट स्पाइक और आर्मरा, यही सीमेन का हम यूज कर रहे हैं। अभी जो गर्मी बीता है और अब जो सीजन शुरू होने वाला है, इसका कैसे क्या आपका मैनेजमेंट रहेगा?
क्योंकि ये सबसे गोल्डन पीरियड माना जाता है अभी से लेकर के मार्च तक का। आने वाला जो समय है ये डेयरी के लिए तो बहुत अच्छा समय आने वाला है। और अभी अक्टूबर तक मेरे यहाँ लगभग 22 गाय बच्चा देगी। अच्छा। और उसमें हम नए उस गाय में बच्चा देने के बाद फिर हम नए सीमेन जो लाए हुए हैं हम अपने पास उसका यूज़ करेंगे। जो हमारी गाय सब अब जैसे 9 मंथ में पहुँचेगी हम उसके ट्रांजैक्शन फीड में आएंगे। ट्रांजैक्शन गाय के लिए बहुत ज़रूरी है। आप अधिक अगर दूध का उत्पादन चाहते हैं, शरीर स्वस्थ रहे, बच्चा नॉर्मल डिलीवरी दे, इसके लिए आपको ट्रांजैक्शन पीरियड पर आपको गाय पर पूरे फोकस करना होगा और ट्रांजैक्शन फीड चलाना अति आवश्यक है। पशुपालन का बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस हो गया है। हम लोग लगभग 1 साल से जुड़े हुए हैं और आप यहाँ 2 साल से ब्रीडिंग भी कर रहे हैं और ट्रांजिशन मैनेजमेंट जो कर रहे हैं लगभग 1 साल से कर रहे हैं। इसका कैसा एक्सपीरियंस रहा? ट्रांजैक्शन फीड का सर बहुत अच्छा रहा इसका परिणाम है ना, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा परिणाम रहा। पहले मैंने गाय बच्चा देने के बाद ये लगता था कि ओरा निकालेगी या नहीं निकालेगी, परेशान रहते थे। ट्रांजैक्शन शुरुआत करने के बाद अपने फार्म में लगभग हमारे यहाँ 30 से 35 गाय बच्चा दी और ये सब का बिल्कुल बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हुआ और जो ओरा निकला वो नॉर्मल निकल गया। बच्चा देने के 3 से 4 घंटा के अंदर ही वो निकला। यानी आपको ये ब्रीडिंग जो कर रहे हैं इसमें ये ट्रांजिशन बहुत मदद करेगा उसके दूध तक बहुत पीक पे ले जाने। जी जी बिल्कुल। और मैं कृषि पालक का ट्रांजिशन फीड यूज़ करता हूँ, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। ये सिकंदर जी हुए मेरे फार्म के देखभाल में, ये हमारे 24 आवर्स डॉक्टर का काम करते हैं, गाय का देख रेख करते हैं। ये 24 आवर्स सिकंदर जी यहीं पर रहता था। हमारे चैनल पीके डेयरी टेक्निक में थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सिकंदर सिंह हुआ और हम वर्ष 2019 से इस डेयरी फार्म में जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा। और इस डेयरी में ब्रीडिंग से लेकर के इसका देख रेख और खान पान पर भी ध्यान मेरा ही रहता है। अच्छा, जो भी ट्रीटमेंट वगैरह होता है सब आप ही केयर करते हैं। तो कैसा फील कर रहे हैं, लगभग 2019 से आप कर रहे हैं, हम लोग लगभग 1.5 साल से जुड़े हुए हैं, तो पहले का फार्मिंग में अभी के फार्मिंग में क्या आपको बदलाव दिख रहा है? बदलाव यही है, पहले जैसे हम लोग जो है लोकल फीड जो मिलता था, दर्रा चोकर खली यही सब खिलाते थे। कि आप लोग से जब से जुड़े हैं, जुड़ने से पहले हम लोग साइलेज शुरू किए थे, उसके बाद आप लोग से जब जुड़े तो ये बैलेंस फीड वगैरह जब चलाने लगे थे, इससे गाय का थोड़ा अच्छा चेहरा में मतलब लाइटिंग भी आता है, दूध में भी परिवर्तन होता है। गोबर में जैसे पहले हम लोग जो ये कच्चा फीड खिलाते थे उससे जो है गोबर में दाना दाना बहुत ज़्यादा निकलता था, लेकिन अब जो है वो सब भी प्रॉब्लम नहीं है। पहले जो है हम लोग गाय पर ज़्यादा फोकस करते थे, गाय दूध इस पर, लेकिन अभी जो है हम लोग का प्लानिंग चेंज हो गया है और हम लोग जो है बाछी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए हम लोग सीमेन भी जो रख रहे हैं, सो एसएचजी का जैसे सेक्स बुल का सीमेन रख रहे हैं और ईवीएस का स्पाइक हो गया, ब्रूड हो गया, नर्मदा हो गया, ये सब सारा बुल का उपयोग कर रहे हैं। बाछी का जो आप मतलब पूरा ब्रीडिंग पे आ गए हैं, इस फार्म को हमको लग रहा है पूरा ब्रीडिंग पे ध्यान है, कैसे क्या उसका मैनेजमेंट रहता है? मतलब जैसे अगर बच्चा जन्म लेती है उस समय से कैसे क्या करते हैं? बच्चा जन्म लेती है उसके बाद जैसे हम लोग 15 दिन के बाद डिमर्मिंग करते हैं और 1 महीना के बाद उसका स्टार्टर शुरू कर देते हैं। अच्छा। 50 ग्राम से शुरू करते हैं, पहले 50 ग्राम देते हैं, फिर 100 ग्राम देते हैं, फिर 150 ग्राम देते हैं, फिर 200 ग्राम देते हैं। इस तरह से हम लोग स्टार्टर को दे करके और बछिया को तैयार करते हैं। अच्छा, तो अभी तक कैसा ग्रोथ दिखा है आपको? बहुत अच्छा ग्रोथ दिखता है। जो भी नस्ल की जो बाछी 35 बाछी है सब रिकॉर्डेड है? सब रिकॉर्डेड है। मतलब आपके अंदाज से वो कितना दूध पर जाना चाहिए फर्स्ट लैक्टेशन? 30 से प्लस जाना चाहिए, मतलब इतना तक जाना चाहिए। कोई भी फार्म हो फर्टिलाइजेशन पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, जब तक आप अगला जनरेशन सुधारिएगा नहीं तो आप नहीं सुधर पाइएगा। अच्छा, मतलब इसलिए जरूरी है ब्रीडिंग, आप अच्छे बुल का सिलेक्शन करके। तो आपका कुछ मैसेज होगा जो पशुपालन कर रहे हैं उनके लिए? मेरे तरफ से यही मैसेज रहेगा कि अच्छा बुल का, बुल से अगर आप फर्टिलाइजेशन कराए, सीमेन कराए, तो उसका अच्छा बछिया होगा। बछिया अच्छा होने से नहीं होगा, फिर बछिया के ऊपर भी ध्यान देना होगा, जैसे डिमर्मिंग हो गया, स्टार्टर हो गया, ग्रोथ में कमी नहीं हो,
ग्रोथ में भी कमी होगा, ज़्यादा दिन में फिर बछिया तैयार होगा तो ज़्यादा दिन में विकास होने के बाद ज़्यादा दिन में गाय बनेगा, यानी कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, यानी कि एक लिमिट कॉस्ट में उसको जल्द से जल्द तैयार करके और मैक्सिमम दूध लेना। हाँ, 15-16 महीना में मैंने बछिया को हीट में आ जाना चाहिए और बछिया लोग गाभिन करना है। चलिए सर, हमारे चैनल पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा जानकारी दिए, इस फार्म से जुड़े हुए हैं, हमारी तरफ से शुभकामना, आगे भी यहाँ अच्छा करें। सर, डॉक्टर साहब से मिले, बहुत अच्छा जानकारी दिए, 2019 से ही यहाँ जुड़े हुए हैं और अच्छा सर्विस दे रहे हैं। तो सर, गाय जो आपकी तैयार हो रही है या पुरानी गाय को कुछ सेल भी कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? 15 गाय तो सर हम लगभग सेल कर दिए अपने यहाँ से, और 10-12 गाय है जो हम लोकल यहाँ के जो किसान हैं, अगल बगल के जो हमारे पड़ोसी हैं 10-20 किलोमीटर के, उनको हम देंगे। तो क्या इस टाइप की गाय को वो संभाल पाएंगे? वो आराम से संभालेंगे, केवल थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है, वो समझ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा, यानी यहाँ के लोग जागरूकता आप ला रहे हैं कि इस तरह के पशु को रखने से उनका आमदनी बढ़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका फार्म घूमे, इतना अच्छा आप ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं और फ्यूचर जो हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ से गाय अच्छा सेल भी हो सकती है। जी जी। अगर फ्यूचर में गाय अच्छा आप तैयार कर लेते हैं, कुछ लोग जो दूसरे स्टेट के यहाँ आते हैं खरीदने के लिए, जी जी, तो क्या आप उनको दे सकते हैं? बिल्कुल सर, मान लेते हैं अच्छे रिकॉर्ड के साथ उनको हम गाय देंगे। जो मैनेजमेंट, साफ सफाई और जो व्यवस्था है, देख करके बहुत अच्छा लगा। जी। तो सर, हमारे चैनल पे आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरह इस फार्म पे आते रहेंगे और यहाँ का अपडेट दिखाते रहेंगे। थैंक यू सर। तो हम इस फार्म पे आए पाला जोड़ी में और 120 गाय का फार्म है, सर से मिलवाएं, सर का सोच भी बहुत अच्छा है। दोस्तों, सबसे खुशी की बात है कि सर जो गाय खरीदने का जो एक चक्रव्यूह होता है उससे वो निकल चुके हैं, यानी अपने गाय को अच्छे नस्ल की बुल से तैयार करने में लग गए हैं और कुछ गायें भी तैयार हो गई है, अच्छे दूध पे है, 30 से 32 लीटर तक दूध ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो देख करके आपको कुछ जानकारी और सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए